वेलकम टू क्विक एंड डिलीशियस क्विजीन। और आज की हमारी रेसिपी है दाल गोश्त। दाल गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है, तकरीबन ये मैंने 1 LB दाल ली है, 1 pound या 1/2 kg आप इसको बोल सकते हैं। इसके दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने दाल को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोना होता है, और फिर आप जो है अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आधा घंटा काफ़ी है, लेकिन अगर आप कुकर के बगैर गला रहे हैं फिर आप इसको 1 hour के लिए भी सोक कर सकते हैं। इसके पास यहाँ पे मेरे पास मटन है, ये मैंने तकरीबन 1 pound मटन लिया है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जो है वो बीफ का भी दाल गोश्त बना सकते हैं, मैं मटन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑनियन है, मैंने 3 मीडियम साइज ऑनियन लेके उनको मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि मैं कुकर में गोश्त गलाऊंगी तो इसके लिए इनको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। एक टोमेटो है मेरे पास मीडियम साइज, साथ में गार्लिक जिंजर पेस्ट तकरीबन 2 tablespoons है, और यहाँ पे मेरे पास ये धनिया है, और ये मेरे पास ग्रीन चिली है जो कि मैं एंड में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब स्पाइसेस में मेरे पास ये 1/2 tablespoon सॉल्ट है, अगेन सॉल्ट आप अपनी नीड के हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ब्लैक पेपर तकरीबन 2 teaspoons, सॉरी रेड चिली 2 teaspoons, एंड हल्दी और टर्मरिक 1 teaspoon, और ये मेरे पास है सिनेमन स्टिक 1, ब्लैक कार्डमम 1, ग्रीन कार्डमम 1, क्लोव्स 2, ब्लैक पेपर 8, एंड ये ग्राउंड गरम मसाला है। मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी कि गरम मसाला मैं कैसे पीसती हूँ, उसके साथ खाने का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है क्योंकि मैं फ्रेशली ग्राइंड करती हूँ। एंड यहाँ पे ये मेरे पास है कुरिएंडर सीड्स, और इसके साथ मेरे पास कुरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर, ये भी मैं दोनों चीज़ों को फ्रेशली ग्राइंड करके, ये 1 cup ऑयल है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने कुकर में मटन और प्याज, टमाटर और पिसा हुआ पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितना कि आपको गोश्त खिलाने के लिए पानी डालना होता है। इसके साथ ये मैं अब इसके अंदर नमक और रेड चिली और ये हल्दी डाल के मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी, और मैं इसको जो है तकरीबन 15 minutes के लिए वेट चलाऊंगी और ये गोश्त हमारा जो है वो गल जाएगा। आप अपने हिसाब से गला सकते हैं, अगर आप कुकर नहीं यूज़ कर सकते तो आप जिस तरह से भी गोश्त गलाते हैं आप उस तरह से गला सकते हैं। एंड देन आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। अब गोश्त तकरीबन गल चुका है, एंड जस्ट रिमेंबर 1 thing कि आपने गोश्त को 3/4 गलाना है, बिल्कुल पूरा नहीं गलाना, क्योंकि ये दाल में भी थोड़ा सा गलना होता है, और इसका जो पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनूंगी। तो ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 cup ऑयल, और ये सारे स्पाइसेस डाल दिए। हम इसको जो है तकरीबन 10 minutes हम इस गोश्त को भूनेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर लिड लगाऊंगी ताकि इन मसालों का जो है अरोमा है वो गोश्त के अंदर रहे, और फिर मैं इसको जो है वो पानी जब पूरा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूँ। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, और ये इसका जो है वो अलग हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है मसाले से। तो टाइम है कि मैं इसके अंदर दाल शामिल करूँ। दाल को ये है कि मैं धो के उसी पानी में सोक करती हूँ, वो वाला पानी गिराती नहीं हूँ ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप दाल को धो के फिर सोक करें तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होते, अगर हम वही वाला पानी भी ऐड कर देते हैं खाने में। अब इसके ऊपर जो है हमने देखना है, अंदाजे से पानी डालना है। अगर तो आप दाल को कुकर के बगैर गला रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। मैंने कुकर में इसको 15 minutes देने हैं, तो मैं अब इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि ये दाल जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पानी में डूब जाए। तकरीबन मैंने ये छोटा वाला जग एक पानी का डाला है। अब आप देख सकते हैं कि पानी, काफ़ी पानी है दाल में। अब इसको जो है वो मैं कुकर बंद कर दूँगी और फिर 15 minutes के लिए मैं गलाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या शेप होती है। मैंने कुकर बंद कर दिया है, और ये दाल आप देख सकते हैं कि गल चुकी है। इसको हमने थोड़ा सा यूँ मैश करना है ताकि दाल जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए, और दाल जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही है, इसमें पानी भी बिल्कुल बराबर है। इसमें इसको थोड़ा सा यूँ मैश करूँगी ताकि इसकी जो शक्ल है वो एक जैसी हो जाए, और ये पानी और दाल आपस में मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो
बहुत ही यमी एंड नाइस दाल गोश्त रेडी है। अब इसको आपने जो है एंड में थोड़ा सा यूँ धनिया और ग्रीन चिली डाल के हमने इसको गार्निश करना है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ या फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस डिश और आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है इसके ऊपर ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ और अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड यमी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लीव इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।